खत्म कर दी है। किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे बुजुर्गों, बार बार मोदी जी ने झूठ बोल बोल के किसानों के वोट पे दिल्ली की सत्ता हटाने का काम किया, परंतु जब किसानों को देने का मौका आया तो राष्ट्रवाद, हिंदू मुस्लिम दंगों की आग के अंदर किसानों की कमर तोड़ते गए। चाहे वो डीजल और पेट्रोल का मुद्दा हो, चाहे किसान की सब्सिडी खत्म करने का मुद्दा हो, चाहे किसान के खेत में पानी पहुंचाने का मुद्दा हो, कोर्टों में उलझा के बैठे हैं। हरियाणा और पंजाब की राजस्थान की लड़ाई करवा के पानी की कोई बात। और जब कोरोना जो प्रजातंत्र को मजबूत कर रहा है, जिसकी आस्था प्रजातंत्र में है, लोकतंत्र में है, देश की आजादी के बाद में जब 13 मेगावाट राजस्थान के अंदर बिजली पैदा होती थी, वहां हजारों मेगावाट बिजली राजस्थान में पैदा होती है, वो किसान की ताकत। ये 3 काले कानून आने से आम जन के किसानों का नुकसान होने वाला है। सदियों से हमारी व्यवस्था स्थापित थी किसान की और व्यापारी की। किसान जब फसल बेचता था उस व्यापारी को पैसा देता था और मंडी के माध्यम से जब उस किसान के घर में चाहे विवाह शादी या शिक्षा का कोई जिम्मेवारी होता था वो अपने पार्टी से पैसे लेकर घर का काम किया करता था। लेकिन ये मोदी सरकार इस मंडियों की व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। किसानों के साथ साथ जो मंडी में जो छोटे व्यापारी है, जो मंडी में दैनिक मजदूरी करते हैं, मंडी में जो रेहड़ी चालक है, उन लाखों करोड़ों परिवारों को बेरोजगार करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है।